हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। पूनम सी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे हिमाचल में बनने वाले कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आम की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 7-8 कच्चे आम। आम को हम लंबे टुकड़ों में काटेंगे। जो आम खराब है उसे हम निकाल देंगे। और एक कटोरी हमने प्याज लिया है, प्याज को मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। मसालों में हमें चाहिए 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। गुड़ लेना है, गुड़ को हमने अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। एक कढ़ाई में हमने 3-4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। ऑयल गर्म होने पर हमने इसमें डालना है साबुत जीरा, और मेथी दाना। मेथी दाना अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें हमने डालना है आम को। आम को डाल के हमने इसे चलाना है। नमक, नमक आपने अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। लहसुन का पेस्ट, लहसुन डाल के हमने इसे भूनना है, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और सभी मसालों को हमने एक साथ डाल देना है। पीसी हुई लाल मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अब हमने इसमें डाला है कटे हुए प्याज को। प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। थोड़ा सा हमने इसमें रेगी मिर्च डाला है। हिमाचल में ये सब्जी बहुत बनाया जाता है आम के सीजन में। दो मैंने हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च को डाल के भी हमने इसे भूनना है। गुड़ डालेंगे, गुड़ को हमने अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना है।
आपको कितना मीठा बनाना है? आम ज्यादा खट्टा होता है, इसलिए इसको गुड़ डाल के बनाना पड़ता है। गरम मसाला को हमने लास्ट में डालना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये बन गया है। अब हम टेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बना है ये। आम की खट्टी मीठी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। खट्टी मीठी आम की सब्जी आप भी ज़रूर बना के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम आपसे मिलेंगे वेनसडे को, तब तक के लिए गुड बाय।